हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। पिछला वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे था, हालांकि ये वीडियो सबसे पहला होना चाहिए एंड लॉजिकली यही पहला वीडियो कहलाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले चार्ट कैसे देखने आने चाहिए, चार्ट देखे कैसे आते हैं, प्रॉपर वे में चार्ट्स कैसे दिखे जाते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड बहुत कुछ आशा करता हूँ आप सीखेंगे इस चैनल से, और इस चैनल पे जो प्रीमियम कंटेंट मैं आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ वो सब आप यहाँ पर देखोगे और सीखते रहोगे। तो ज़्यादा देर करते ना को हुए, मैं आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो में ले चलता हूँ। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा चार्ट कैसे रीड करते हैं। जब आप कहीं भी किसी भी एक्सचेंज में जाओगे या वजीर एक्स में जाओगे या फिर बाइनेंस में जाओगे, कहीं भी आपको ऐसा एक चार्ट दिखता है। इस चार्ट को हम क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट। अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं हिस्ट्री से, तो एक नॉर्मल चार्ट होता है लाइन चार्ट, जो आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में दिखाया जाता है। नॉर्मली किसी भी जगह पे आपको लाइन चार्ट दिखाया जाता है, वो सिंपली आपको ये बता देता है प्राइस किस तरह से चल रहा है। बार चार्ट जो होता है वो थोड़ा और डिटेल में बताता है हमें, हाई लोज भी बता देता है। एंड कैंडल चार्ट जो होता है, ये जापानीज तरीका, मतलब जापान में इसका इजाद हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, और इसको 1800 के समय से यूज़ किया जाता रहा है। पहले हाथों से ड्रॉ किया जाता था, बट अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये कैंडलस्टिक चार्ट ऐसे दिखते हैं। एक कैंडलस्टिक चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। एक जो स्टिक आपको दिख रही है, एक डंडी जैसी, वो एक पूरी पूरी जैसे ग्रीन और रेड है, ये एक कैंडल कहलाती है। अब मैं अगर आपको चार्ट में दिखाऊं, तो ये पूरा का पूरा मेरे सामने चार्ट है। सबसे पहले तो एक चार्ट में आपको टाइम फ्रेम सेट करना होता है। टाइम फ्रेम का मतलब यह है कि ये चार्ट जो है, इसकी एक कैंडल किसको बताती है, एक घंटे को बताती है, एक दिन को बताती है, चार घंटे को बताती है, दो घंटे को बताती है, तीन घंटे को बताती है, या फिर एक हफ्ते को बताती है। तो ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो लोग किस तरह के ट्रेडर हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप एक घंटे के चार्ट को देखोगे, क्योंकि आपको अभी खरीदना है, आज ही खरीदना है, आज ही सेल करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप एक डे वाले चार्ट को देखोगे, आप आज खरीदोगे कल परसों में सेल करोगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप वीकली चेक करोगे कि आप बिटकॉइन ले रहे हो, छः महीने बाद देखोगे। तो इस तरह से होता है। अब कैसे आप चेंज कर सकते हो टाइम फ्रेम को, ये देखिए, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ साइड में ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं वेबसाइट, पहले तो ये बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, ट्रेडिंग व्यू एक चार्ट सर्विस है जो कि बहुत बड़ी सर्विस है दुनिया की, एंड यहीं पर सारे ट्रेडर देखते हैं चार्ट। वैसे आपका जो भी एक्सचेंज है उसमें भी चार्ट आपको मिल जाएंगे, और नॉर्मली यही फंक्शन होते हैं। डे, जैसे मैंने ये डेज सेलेक्ट कर रखा है, तो एक वन डे लगा रखा है। अगर मैं इसको 4 आवर्स कर दूँ तो ये 4 आवर्स में हो गया, और इसको मैं जूम कर दूँ ऊपर ले जाके, थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखाऊंगा कि ये आपके सामने चार्ट आ गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक कैंडल क्या होती है। सबसे पहले एक कैंडल आपको दिख रही होंगी, अभी तक मैंने आपको बता दिया ये सब कैंडल्स ही हैं जो चार्ट को बनाती है, कैंडलस्टिक चार्ट को। तो अगर मैं जूम कर देता हूँ, खूब सारा जूम करूँ ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊँ, तो एक कैंडल आपकी ये ग्रीन वाली है, एक कैंडल ये रेड वाली है, एक ये ग्रीन वाली है। अभी मैंने आपको बताया है कि एक एक कैंडल जो होती है वो टाइम को सेट कर बताती है, जो टाइम आपने सेट किया हो। मैंने 4 घंटे का चार्ट लगा रखा है, तो ये कैंडल 4 घंटे की है, ये 4 घंटे की है, ये 4 घंटे की है। देखिए, आप देखोगे यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 6 जुलाई 9:30 बजे की, 6 जुलाई 1:30 बजे की, 6 जुलाई 17:30 यानी कि 5:30 बजे की। तो ये तीनों कैंडल है 4-4 घंटे की। अब अगर मैं इसी को 1 डे कर दूँ, तो ये हमारा 1 डे का चार्ट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर ये 5 जुलाई का है, ये 6 जुलाई का है, और ये 4 जुलाई का है, ये 3 जुलाई का। आप देखोगे कि कैंडल बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि इस दौरान एक दिन के दौरान बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, वहीं एक वीक की आप देखोगे तो और कैंडल बड़ी हो जाएंगी। तो अब समझा देते हैं कैंडल क्या होती है। एक कैंडल बेसिकली कुछ 4 चीज़ों से बनी होती है। एक ग्रीन कैंडल में ओपनिंग शुरुआत होती है, क्लोज यहाँ पर होती है, और हाई जाता है, लो जाता है। अब मैं आपको चारों चीज़ें समझा दूँ क्या होता है। ये देखिए, ये एक चार्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस कैंडल को ले लेते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिखे कि क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा। तो ये हो गया, ये ग्रीन वाली कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस ग्रीन कैंडल में आप देखोगे कि ओपनिंग, यानी कि ये पिछली वाली कैंडल जहाँ पे बंद हुई थी, क्लोज हुई थी यहाँ पर, ठीक। तो अगर मैं जूम कर दूँ और थोड़ा, तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पिछली वाली बंद हुई थी, क्लोज हुई थी, और यहाँ पर ये वाली ओपन हुई थी। ओपन होने का मतलब ये है कि जब ये 4 घंटा स्टार्ट हुआ, चौथा 4 घंटे स्टार्ट हो रहे थे, ये कैंडल स्टार्ट हो रही थी, यानी कि ये डे की है,
तो ये 29 जून जब तैयार स्टार्ट हो रहा था तो प्राइस सबसे पहले 29 जून के रात को 12 बजे कितना था, वो था 1.12, ठीक यहाँ पे शुरुआत हुई। फिर प्राइस अगले दिन जब 29 जून ख़त्म हुआ, 29 जून की यानी कि 30 जून की रात को 12 बजे, ठीक 30 जून की रात से 12 बजे प्राइस कहाँ पर था आखिरी में, वो था यहाँ पर 1.172 पर, ठीक। तो ये दिन की शुरुआत ओपन, ये क्लोज हो गई। अब आप कहोगे कि कैंडल में कुछ पतली पतली डंडियाँ ऊपर दिख रही हैं, कुछ नीचे दिख रही हैं, इनका क्या मतलब है? अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डंडियाँ दिख रही हैं, पतली पतली स्टिक्स दिख रही हैं, ये ऊपर गई हुई है, ये कहलाता है हाई, नीचे वाला कहलाता है लो। यानी कि जब ये एक दिन चल रहा था, यानी जब ये एक दिन के दौरान कैंडल बन रही थी, ओपनिंग तो यहाँ पे हुई, क्लोजिंग ऊपर हो गई, ठीक। लेकिन इस दौरान, इस दिन के दौरान में प्राइस कभी पंप होके ऊपर गया होगा, कभी नीचे आया होगा, तो उस दौरान, उस एक दिन के दौरान प्राइस कितना ज़्यादा हाई गया था, हाईएस्ट कितना गया था और कितना लोएस्ट गया था, ये दोनों स्टिक ऊपर नीचे की बताती हैं। अगर हम सही से देखें तो 29 जून में प्राइस सबसे हाईएस्ट गया था इतना $1.25 तक, और 29 जून को सबसे नीचे प्राइस गया था 1.11 तक। लेकिन ओपनिंग हुई थी इसकी 1.2 पे, यानी कि 29 जून को रात को 12 बजे यहाँ पे था, और 30 जून को रात को 12 बजे यानी 11:59 पे यहाँ पे था 1.17 पे। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी है कैंडल में, ठीक। अब अगर यहाँ से समझ लें तो एक ग्रीन कैंडल की शुरुआत होती है नीचे से और क्लोजिंग होती है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोग बाय करते हैं नीचे और ऊपर तक बाय करते हैं। ग्रीन का मतलब होता है बाइंग हो रही है, और हाई जो होता है वो बताता है उस दौरान कितना हाई प्राइस चला गया था, और लो बताता है उस दौरान कितना नीचे प्राइस गया था। इसको अपर शैडो और लोअर शैडो भी कहा जाता है, जो ये विक बनी होती है इनको विक कहा जाता है। अब अगर मैं रेड में दिखाऊं, एक रेड कैंडल में भी सेम यही होता है, बस उल्टा होता है। यानी कि ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने प्राइस ओपनिंग दिन की शुरुआत तो हाई पे हुई, लेकिन लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्लोजिंग नीचे हुई यहाँ पर। यानी कि इसकी ओपनिंग हुई 1.17 पर और नीचे क्लोजिंग हुई 1.07 पर, और इस दौरान जितना लोएस्ट प्राइस गया वो गया 1.05, जो स्टिक दिख रही है नीचे की, और ऊपर कोई स्टिक बनी ही नहीं है। इसका मतलब यही इसकी शुरुआत ही इसकी हाई थी, ठीक। जैसे अगर मैं आपको ये स्टिक में दिखाऊँ, ये रेड कैंडल है, इसमें आप देखोगे कितना कुछ देखने को मिलेगा। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग तो पास पास है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट गया था वो ये था और लोएस्ट इतना ज़्यादा नीचे गया था। तो आपको समझ आ गया होगा उल्टा क्या होता है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, और रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी, यही मुझे आपको समझानी थी। टाइम फ्रेम समझ में आ गया, लाइन चार्ट ऐसे होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट ऐसे होते हैं, मैंने आपको लाइन बार और कैंडल का बता दिया डिफरेंस। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं। अगर आप 4 घंटे के चार्ट को देखोगे तो 4 घंटे में 6 कैंडलस्टिक्स को जोड़ दिया जाए तो ये मिलके बनाती है एक दिन की कैंडलस्टिक। समझ आया आपको कैसे? क्यों? क्योंकि एक दिन का जो कैंडल होता है वो उसी दिन की शुरुआत और एंडिंग को देखता है, जबकि आप अगर चार्ट को 4 घंटे में कर दोगे तो वो उस दिन को 6 टुकड़ों में बांट देगा 4-4 घंटे में। और देखेंगे आप अगर इसकी ओपनिंग वही रहेगी और क्लोजिंग वही रहेगी जो इस कैंडल में दिखा रहा है, तो बात वही पड़ती है। और ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि जैसे आपको कैसे बताऊं, ये एक दिन का है ना, देखिए ये एक दिन का है, ये एक दिन का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। और अगर मैं इसको एक दिन, ये जो एक दिन का है, अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं, क्लियरली थोड़ा समझाता हूं, ईजी पड़ेगा ऐसे। अगर मैं आपको ये एक दिन का है मान लीजिए रेड कैंडल, जो कि है 1 जुलाई की कैंडल, ठीक, ये 1 जुलाई की कैंडल है, याद रखिएगा। अब मैं दिन से इसको 4 घंटे करने जा रहा हूँ, तो 4 घंटे जब मैं इसको कर दूंगा 1 जुलाई का, तो आप देखोगे जब मैं पीछे जाऊँगा तो 1 जुलाई सर्च करता हूँ, 1 जुलाई में ये रही 1 जुलाई, 1 जुलाई की ये कैंडल है। अब समझा देते हैं ज़रा आपको क्लियरली थोड़ा सा कि 1 जुलाई की जो कैंडल बनी, ये देखिए, ये 1 जुलाई की 1:30 बजे रात को कैंडल बनी, 4 चौथा घंटा जो स्टार्ट, ये 1 जुलाई की शुरुआत थी, और उसमें कितनी कैंडलें बनी ये देखना आप 4 घंटे की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आप देखोगे 7वीं कैंडल 2 जुलाई में बनी। 6 कैंडल एक दिन में होती हैं और ये पूरे मिलके एक दिन, अगर आप ग्राफ को एक दिन कर दोगे तो ये से इसी को जोड़ के एक कैंडल बना देता है। तो
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है और कैसे समझा जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी एंड कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मैं ये फ्री होके बनाता हूँ। अगर आपको ये सब तुरंत और जल्दी सीखना है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो जो कि उडेमी पे आपको मिल जाएगा और डिस्काउंट भी उडेमी दे रहा है शायद, तो इस कोर्स में आप देख सकते हो। 11 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, रेटिंग 5 चल रही है एंड आप आसानी से इसको एनरोल कर सकते हो, वरना चैनल पर आपको मिलता रहेगा बट थोड़े टाइम में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।